हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 14.3 ऑफ योर चैप्टर सिमेट्री। दिस चैप्टर इज फ्रॉम योर सेवेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर वन, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। वैसे कौन कौन सी डायग्राम्स होती है? करेक्ट, देर इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड स्क्वायर, ऑल्सो सर्कल ऑल्सो। ओके, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड सर्कल का एग्जाम्पल दे सकते हो, तो स्क्वायर का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर टू, ड्रॉ वेर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ फर्स्ट अ ट्राइंगल विथ अ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो यहाँ पर ही आपकी रफ डायग्राम बन सकती है, ट्राइंगल विथ बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, इट्स अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। करेक्ट, तो आपको डायग्राम दिख रही है लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए और ये होगी रोटेशनल सिमेट्री के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पर अ ट्राइंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, इसके लिए आप यहाँ पर आइसोस्केलस ट्राइंगल का एग्जांपल दे सकते हो। अ ट्राइंगल विथ ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स, अ क्वाड्रिलैटरल विथ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, इसके लिए आप यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट अ लाइन सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बिकॉज क्वाड्रिलैटरल विद अ लाइन सिमेट्री मे हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर वन बट नॉट मोर देन वन। देन क्वाड्रिलैटरल विद द लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलैटरल विद अ लाइन सिमेट्री बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री, इसके यहाँ पर रोम्बस का आप ये जो है ट्रैपेजियम का एग्जांपल दे सकते हो। ये कौन सा शेप है? यहाँ पर ये है ट्रैपेजियम का शेप, आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ अ फिगर हैज टू और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर मोर देन वन। तो स्टूडेंट्स, येस, इफ अ फिगर हैज टू और मोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री देन इट विल हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। तो स्टूडेंट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, शेप यहाँ पर दिया है स्क्वायर, सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन, इसका सोल्यूशन देखिए। स्क्वायर के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, मतलब यहाँ पर फोर रोटेशन हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। रेक्टेंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, यहाँ पर टू ऑर्डर ऑफ रोटेशन 180 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन बनेगा। रोम्बस के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल टू, यहाँ पर 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस थ्री, यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन बन जाएगा। रेगुलर हेक्सागन के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल सिक्स हो जाएंगे, एंगल ऑफ रोटेशन 60 डिग्री। सर्कल सेंटर यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम्स, ओके, बिकॉज आपने कितनी बार भी इसे रोटेट किया, वन एंगल डिग्री टू एंगल डिग्री, तो वो सेम ही दिखता है, सो दैट्स वाई देर आर द इनफाइनाइट ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन एवरी एंगल। सेमी सर्कल मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ऑर्डर ऑफ रोटेशन वन एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम द क्वाड्रिलैटरल्स विच हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, इसका एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल विच हैज बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन इज स्क्वायर। सो लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी एंड रोटेशनल सिमेट्री ऐसे, ओके, सो यहाँ पर 90 डिग्री पर रोटेशनल सिमेट्री आती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट अ सेंटर ऑफ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट्स ओरिजिनल पोजिशन, एट वॉट अदर एंगल्स will this happen for the figure? So the other angles are 120 degree, 180 degree, 240, 300, 360. So the figure is said to have rotational symmetry about same angle as the first one. Hence the figure will look exactly the same when the rotated by 60 degree from the last position. So students, question number 7, can you have rotational symmetry of order more than one whose angle of rotation is 45 degree or 17 degree? तो स्टूडेंट्स, येस, 45 के लिए येस बनेगा आंसर। वी कैन हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन दोज हु एंगल रोटेशन 45 डिग्री, बट 17 के लिए देखिए नो, वी कैन नॉट हैव अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर वन मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 17 डिग्री। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.3 यहाँ पर एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।